ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हमने अथर्व की टीचर्स के लिए बनाए हैं, ठीक है? ओके, चलो बाय। स्पेशल भी है क्योंकि हमने अथर्व के लिए आज बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज प्लान किया है। ये तो सुरेश ने चाइनीज लेकर आए हैं या फ्राइड। ये बाय, पापा को देख दो, पापा रख देंगे। मम्मी ने बनाया और कौन बनाएगा बेटा? ऑल द बेस्ट। अरे से थैंक यू। बाय। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आज ब्रेड पकोड़े, जो घर में बहुत अच्छे लगते हैं सबको। तो और अर्थू तो पहले खा चुका था ब्रेकफास्ट, तो उसे बस सुरेश अभी जूस ही पिला रहे थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। तो आज है सैटरडे और आज अथर्व की लास्ट पीटीआई थी जूनियर केजी की। तो ना काफ़ी मॉर्निंग में थी, मतलब तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि आज जब लास्ट पीटीआई होती है ना तो काफ़ी लंबा भी चलता है क्योंकि जो फी सबमिशन वगैरह होता है नेक्स्ट ईयर का वो भी सारा आज ही होना था। तो आज सुरेश ही गए थे बस, मॉर्निंग में 9 o'clock जाना था आज, तो सुरेश और अथर्व ही गए थे। और सुरेश का तो इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया था, वो मॉर्निंग में ही 5:30 अपने ऑफिस से पहुँचे घर और उसके बाद 1-2 घंटे ही वो सोए और उसके बाद फिर उनको जाना पड़ा। तो आज काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो गया है। तो बस चलो जो भी था, बट येस इट्स अ प्राउड मोमेंट यार। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे थोड़ा सा कुछ अचीव करते हैं ना। तो काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए मैम ने अथर्व के लिए कि भाई ठीक है, काफ़ी मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहता है अथर्व क्लास में भी, टॉकेटिव है, सबको मतलब सबको भी इनकरेज करता है ना काफ़ी क्लास में। तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा, सब कुछ काफ़ी बढ़िया रहा। तो अर्थू अभी सो रहा है और अभी सुरेश गए नीचे किसी काम से जा रहे थे और अथर्व अपना कलरिंग कर रहा है। कल जब से हमने उसके कलर्स वगैरह अथर्व के सॉर्ट कर रहे हैं ना, तो बच्चों को एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ चीज़ें रख कर बच्चे भूल ही जाते हैं। जब तक आप उनको याद नहीं दिलाओ ना कि अच्छा ये भी है तुम्हारे पास, ये भी है, तब तक बच्चे देखते ही नहीं है। तो जब से अथर्व का सामान वगैरह हमने जूनियर केजी का सब कुछ सॉर्ट करके रखा है ना एक बॉक्स में, तब से उसे ध्यान आया कि अच्छा मेरे पास ये कलर भी है, ये भी है। तो आजकल वो कुछ दिनों से वो कलरिंग में ही लगा हुआ है, उसको नए नए कलर्स दिख रहे हैं अपने पास। तो बस आज हमारे लिए और हाँ आज बहुत ही स्पेशल भी है क्योंकि हमने अथर्व के लिए आज बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज प्लान किया है। लेट्स सी कैसा रहता है वो मैं तभी बताऊंगी जब हम सरप्राइज अथर्व को दिखाएंगे, क्योंकि अथर्व का ये बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है। आज 1 अप्रैल है और 19 को अथर्व का बर्थडे है, बट हमको लगा कि अथर्व का जो बर्थडे गिफ्ट है वो हम आज ही दे देते हैं अथर्व को, क्योंकि उसके बाद हमारा होम टाउन जाने का भी प्लान बनेगा। तो इस वजह से हम सोचे थे जल्दी दे दें। और आज एक्चुअल में अच्छा दिन भी है अथर्व का, मतलब पीटीआई हो गई है, अथर्व सीनियर केजी में चला गया है। तो ये मेरे लंच बनाने की छुट्टी हो गई है क्योंकि सुरेश आज बाहर से ले आए हैं थोड़ी बहुत पार्टी करने के लिए अथर्व के लिए और हम सभी के लिए। तो बस अभी मैं पार्सल्स ही ओपन कर रही हूँ। तो बहुत टाइम से हम लोग ना चाइनीज़ ट्राई करने का प्लान कर रहे थे, यहाँ पर लोकल काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो वहीं से ही सुरेश लाए थे कि आज हम चाइनीज़ थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्योंकि जनरली ना यहाँ पर चाइनीज़ इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो आज बस फ्राइड राइस, मंचूरियन और ये नूडल्स, यही सभी सुरेश लेकर आए थे। तो सुरेश ले आए थे अथर्व के लिए उसका सरप्राइज गिफ्ट, बट अथर्व को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी साइकिल है। नहीं, आपकी है। ये मेरी है। हाँ क्यों? क्योंकि आपका बर्थडे का गिफ्ट है वो सरप्राइज। आज आपका रिजल्ट भी आया ना, अच्छा था। मेरा है। हाँ है। अर्थू को तो जब तक हमने साइकिल में बिठाया नहीं तब तक वो रोता ही रहा, और जैसे ही वो साइकिल में बैठा ना इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना अर्थू, मतलब वो तो बिल्कुल हैंडल पकड़ कर साइकिल के आराम से वो कंफर्टेबल हो गया था। तो थोड़ी देर उसको भी हमने 1-2 राउंड ऐसे आगे पीछे किया जिससे कि वो थोड़ी देर फिर शांत हो गया था।
तो हमने ना फर्स्ट टाइम ही चाइनीज ट्राई किया था यहीं से ही, तो काफ़ी अच्छा भी हो रहा था, काफ़ी टेस्टी हो रहा था। तो अर्थू को भी ना मैंने थोड़ी सी चाउमीन दी थी टेस्ट, क्योंकि ना बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी, बिल्कुल ही मिर्च नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको भी दिया था। तो अभी सुरेश ना अथर्व को ले गए हैं थोड़ी देर नैप के लिए, क्योंकि सुरेश को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो थोड़ी देर वो भी सो जाएंगे। और अथर्व भी सो गया है, और मैंने ना अर्थ को थोड़ी सी चाउमीन दी थी, बट उसने थोड़ा बहुत ही खाया था, तो इसलिए मुझे ना दलिया खिचड़ी उसके लिए बनानी पड़ी। अभी मैंने उसको वो खिलाई है, और अभी मैंने उसको अनार दे रखा है, तो वो खा रहा है बैठ के। और हम लोग ना साइकिल नीचे चलाने ले जाएंगे अथर्व को, बट इवनिंग में ले जाएंगे, अभी दिन में तो काफ़ी धूप हो रही थी इस वजह से। तो फर्स्ट रिएक्शन जो अथर्व का था वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग था, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके लिए हम साइकिल लाए हैं। ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, बट उसको बिल्कुल ऐसा लगा कि ये मेरी साइकिल नहीं है, क्योंकि उसको शायद थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी ना अभी। बट जब वो चलाने लगा तो थोड़ा बहुत वो कंफर्टेबल हो गया था, अभी जब नीचे चलाएंगे तो शायद थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा। बट अर्थू तो इतना रोया, उसको तो जब तक हमने बिठाया नहीं साइकिल में तब तक वो रोता ही रहा। मतलब ऐसा हो जाता है ना, तो बट चलो थोड़ी देर में ठीक हो गया था वो भी, है ना। आप क्या खा रहे हो? अनार ही खाता हूं मैं इस टाइम पे, बोलो। तो इवनिंग में हम ले गए थे अथर्व को थोड़ी देर नीचे साइकिल चलाने के लिए, और अथर्व काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था अब तक। उसको ना मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अनइजी सा हो रहा था उसको जब वो चला रहा था, बट धीरे धीरे जब उसने चलाया तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो काफ़ी देर तक ही अथर्व चलाता रहा यहाँ पर साइकिल। मैं आ गई हूँ नीचे से अर्थू को लेकर, क्योंकि ना अर्थू का थोड़ा खाने का टाइम हो रहा है, अभी 7 o'clock होने वाले। तो अर्थू ने टॉप फीड भी ना काफी देर पहले किया था, 4:30 के अराउंड किया था, तो उसको ना भूख लगी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं हलवा बना रही हूँ, सूजी का हलवा क्या उपमा टाइप का बना रही हूँ, सॉल्टेड बना रही हूँ। तो मीठा तो क्योंकि वो इस टाइम पे तो नहीं खाएगा, खाने के टाइम पे। हमारा ना एक्चुअली डीमार्ट जाने का प्लान हो रहा था, क्योंकि ना अभी ग्रोसरी लानी है हमें इस मंथ की, तो देखते हैं अभी शायद आज ही हम जाएंगे। बट अथर्व तो एक बार नीचे चला जाता है ना, तो ऊपर लाना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है। साइकिल उसने थोड़ी बहुत चलाई और फिर वही साइड में खड़ी कर दी, और उसके बाद उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब सोसाइटी के जो भी बच्चे हैं, वो सब फुटबॉल खेल रहे थे, तो बस मुझे ही फुटबॉल खेलनी है, तो फुटबॉल खेलने लग गया। तो सुरेश ना नीचे ही रुक गए, फिर मैंने कहा यार मैं चली जा ऊपर आ जाती हूँ जल्दी से, मैं कुछ खाना वाना कुछ बना देती हूँ। अदरवाइज ना अर्थू तो ना फिर सो जाता है बिना खाना खाए, तो बस मैं अभी उसके लिए थोड़ा सा मैं अभी उपमा बना रही हूँ, उसको मैं वो खिलाऊंगी, उसके बाद देखते हैं हमारा डीमा। सीरियसली बेटा, हाँ ये खुद से लेकर आ गया? मम्मी आपके लिए खाना बना के लाई है ना, हाँ क्यों लेकर आया खुद से? हम लोग ना डी मार्ट साथ में गए थे, बट मैं आ गई हूँ वापस अर्थू को लेकर, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी डी मार्ट में, इतना ज्यादा रश था कि मैं एक गेट से घुसी और बस दूसरे गेट से मैं बाहर निकल गए, क्योंकि वहाँ पर हिलने की भी जगह नहीं हो रही थी, इतना भीड़ था। बट अथर नहीं आया, वो सुरेश के साथ वहीं पर ही है। इनफैक्ट बाहर ऑटो भी नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर ना सैटरडे वो हार्ट वगैरह कुछ लगती है ना, तो वो सब भी लग रहे करता, तो बाहर भी बहुत भीड़ थी, और डी मार्ट के अंदर तो पूछो ही मत कि कितना ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था सारे लोग आज ही आ गए शॉपिंग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस वजह से यार मैंने ज़्यादा देर मैं रही नहीं अर्थ को लेकर ना, क्योंकि अर्थ फिर गोदी गोदी भी इतना नहीं रहता, और नीचे इतनी भीड़ थी कि उसको छोड़ने का तो मतलब ही नहीं था, जगह ही नहीं थी नीचे, ऐसा हो रहा था। तो चलो खैर छोड़ो। और यार आज का सरप्राइज अथर्व का मुझे लगा कि फेल ही हो गया एक टाइप से, क्योंकि अथर्व इतना ज़्यादा कोई सरप्राइज तो मुझे लगा नहीं। साइकिल देखकर हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि अथर्व को सब सरप्राइज देंगे, बट उसका जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही सिंपल सा था, इतना कोई ज़्यादा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे साइकिल मिली है बर्थडे पे या कुछ भी, ना नॉर्मल सा ही मतलब। तो चलो खैर, बच्चों के मूड का एक्चुअल में कुछ पता नहीं रहता है।
और आज हमारा सुबह से पार्टी ही चल रही है, बस अर्थ के लिए खाना बनाया दिन में भी और अभी भी मैंने अर्थ को ही खाना खिलाया और अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि सुरेश अभी भी वही है कि हम कुछ खा लेंगे बस देख लेंगे ऐसी, तो बस आज का पूरा ऐसा ही चल रहा है हमारा। रात का भी हमारा कुछ जंक फूड ही खाने का प्लान बन रहा था, तो बस अभी बस वही से अभी है, देखते सुरेश लोग कब से आते हो। पता है मैंने लिस्ट भी बना रही थी पूरे डी मार्ट की, वो लिस्ट भी मेरे मोबाइल में है, फिर घर आके मैंने वो व्हाट्सअप करी सुरेश को, ये सामान तो कम से कम ले ही आना जो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है। तो हमने आज बर्गर किंग से ही एक थोड़े बहुत जो बर्गर थे वो ट्राई कर रहे थे, सुरेश ने कुछ टाइम पहले शायद ऑफिस में खाए होंगे, एक कुछ बिग बर्गर था, वेज वूपर था शायद ये, तो काफ़ी टेस्टी हो रहा था तो वो मंगाया था, तो हम लोगों ने भी ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा लगा था। बस आज हमने जो ओवर ईटिंग हो गई है यार, सुबह से इतनी ज़्यादा हमारी ओवर ईटिंग हो गई है ना आज, इतना जनरली होता नहीं है बट आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। तो ये वाले थे वो वेज वूपर जो कि सुरेश काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी अच्छे हैं तो हम लोग मंगाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगा अथर्व को, तो काफ़ी बड़ा था ये बर्गर बट ये काफ़ी टेस्टी हो रहा था। सो यार आज के इस व्लॉग में इतना ही था, इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग आज हम लोगों ने करी है, पार्टी भी करी है, इतने ज़्यादा सरप्राइजेस भी हुए हैं, सो आई होप यार आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय करा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।